है हमारे एसपीएल डिजिटल क्लब में आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्पादन क्षेत्र में जो क्रांति हुए हैं उससे संबंधित और कौन चीज किससे क्रांति संबंधित क्रांति हुआ। क्रांति पहले होता क्या तो किसी भी क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि का कहलाया क्रांति। तो देखते हैं भूरी क्रांति क्या होते हैं उर्वरक से संबंधित यानी जो खेती करने के जो खाद का प्रयोग किया जाता है उसमें वृद्धि को कहते हैं भूरी क्रांति। हरित क्रांति जो होता है खाद्यान्न यानी कृषि क्षेत्र में चावल गेहूँ मक्का की जो अप्रत्याशित वृद्धि उसे कहेंगे हरित क्रांति। जो हरा होता है क्या होता है हरा इसलिए क्या होगा ये हरित क्रांति। लाल क्रांति क्या होता है मांस और टमाटर। मांस क्या होता है लाल और टमाटर भी क्या होता है लाल होता है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं लाल क्रांति। अब देखते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित होता है दूध से क्योंकि दूध क्या होता है श्वेत यानी सफ़ेद यानी उजला होता है इसलिए क्या है श्वेत क्रांति यानी ये क्या है श्वेत। अब तिलहन तेल देखते हैं सरसों का तेल कैसा होता है पीला होता है तो इसलिए तिलहन में समझ जाएंगे क्या कैसा क्रांति होगा पीला क्रांति। नीली क्रांति नीली क्या होता है मत्स्य पालन यानी मत्स्य उत्पादन में वृद्धि क्या कहलाता है नीली क्रांति। तो मत्स्य नीली क्यों कहते हैं मछली नीली होते हैं नहीं मछली क्या होते हैं जल में रहते हैं ना और जानते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं अधिक जल के कारण इसलिए क्या नीली क्रांति क्या मछली उत्पादन में वृद्धि क्या कहलाएगा यानी मत्स्य उत्पादन में नीली क्रांति। अब देखते हैं गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन क्या कहते हैं गुलाबी क्रांति क्योंकि झींगा मछली कैसा होता है गुलाबी होता है। अब रजत क्रांति क्या है अंडा या मुर्गी के उत्पादन क्षेत्र में क्या कर लेगा रजत क्रांति। अंडा का तो उजला होता है इसको याद रखेंगे श्वेत क्रांति इसको नहीं कहेंगे। गोल क्रांति तो आलू कैसा होता है गोल होता है इसलिए इसको क्या याद रखेंगे आलू के उत्पादन में गोल क्रांति। सुनहरी क्रांति क्या होता है बागवानी अर्थात फलों के जो फलों में उत्पादन में वृद्धि क्या कर लेगा सुनहरी क्रांति। बागवानी अर्थात क्या होगा फलों का उत्पादन। बादामी क्रांति क्या होता है मसाला से उत्पादन की वृद्धि क्या कहेंगे बादामी क्रांति। बायोडीजल कैसा होता है काला यानी कृष्ण इसलिए इसको क्या कहते हैं कृष्ण क्रांति। और नदी जोड़ों परियोजना इसे क्या कहते हैं अमृत क्रांति क्योंकि अमृत एक दूसरे नदी की जोड़ के क्या होते हैं जहाँ पानी नहीं पहुँच वहाँ भी पानी पहुँचाया जाए यानी अमृत क्रांति। अब देखते हैं क्रांति का जो जनक है वो हरित क्रांति के जनक कौन है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और भारत में जो श्वेत क्रांति यानी दूध में जो अप्रत्याशित वृद्धि उसके जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और भारत में हरित क्रांति कब हुआ था 1967-68 में था 1970 के दशक में हुआ। और हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित फसल कौन था गेहूँ और उसके बाद चावल। सबसे अधिक प्रभावित फसल कौन है बस क्रांति से संबंधित वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें साथ ही अभी तक हमारा चैनल एसपीएल डिजिटल क्लब नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर करें जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।